हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं अब द वाइपर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों, क्राउन जूल खत्म हो चुका है और अब बारी है रोमन रेंस के न्यू चैप्टर की। तो क्या दोस्तों हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर होने वाले हैं रोमन रेंस के न्यू चैलेंजर, एंड दैट टू फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे जॉन सीना के बारे में। सभी लोग वेट कर रहे हैं जॉन सीना के एपिक रिटर्न का। अभी फिलहाल तो जॉन सीना के रिटर्न के कोई भी न्यूज़ आई नहीं है, बट जॉन सीना के इंस्टाग्राम को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें पता चली है। क्राउन जूल पेपर व्यू में लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस की जो मैच थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें रोमन रेंस विनर बने थे। उस मैच में लोगन पॉल का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त था, और इसकी वजह से जॉन सीना ने खुश होकर लोगन पॉल की पिक डाली है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉन सीना ने भी एक्नॉलेज कर लिया है लोगन पॉल को, और जॉन सीना भी काफ़ी खुश है लोगन पॉल की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से। अब दोस्तों, हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन की बड़ी अपडेट के बारे में। रैंडी ऑर्टन काफ़ी टाइम से WWE से बाहर है, और रैंडी ऑर्टन के जो सारे फैंस हैं वो वेट कर रहे हैं डेस्परेटली रैंडी ऑर्टन के बड़े रिटर्न का। और दोस्तों, रिपोर्ट्स ये है कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद उनके बड़े प्लान्स हो सकते हैं। रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली है। उन्होंने ये कहा है कि WWE को अभी ऑलरेडी पता है कि रोमन रेंस को कौन बीट करने वाला है फॉर बोथ द चैंपियनशिप। उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कोडी रोड्स होने वाले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि क्या वो रॉक होने वाले हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो ब्रे वाइट होने वाले हैं। पर उन्हें लगता है कि कुछ और दूसरे सुपरस्टार्स हैं, बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिन्हें देखकर WWE कह सकते हैं कि ठीक है, इस बंदे को हम चांस देते हैं कि वो रोमन रेंस को हराए और जीत जाए WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पर ये इतने जल्दी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था कहना रेसल वोट्स का। अब दोस्तों, जैसे आपने देखा कि रेसल वोट्स ना ही ब्रे वाइट का नाम ले रहे हैं, रेसल वोट्स ना ही रॉक का नाम ले रहे हैं, और ना ही कोडी रोड्स का। उन्हें इन तीनों के बारे में नहीं पता है कि क्या ये तीनों जन में से कोई एक हरा पाएगा रोमन रेंस को। तो ऐसे में दोस्तों, सिर्फ एक नाम ही माइंड में आता है, और वो है द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन इंजरी के चलते काफ़ी टाइम WWE से बाहर है, और बात करें रैंडी ऑर्टन के इंजरी स्टेटस की, तो वो इंजरी स्टेटस थोड़ा सा सीरियस है और रैंडी को थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। और उनके प्लान्स की बात करें तो रैंडी ऑर्टन के प्लान्स ये थे कि जब वो आएंगे वापस इंजरी से, तब उनका जो प्रोग्राम है वो इमिजिएटली होने वाला है मैट रिडल के साथ, जहाँ पर वो मैट रिडल को तोड़ के रख देंगे, और फिर हमें इन दोनों के बीच में एक फ्यूड देखने मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है कि जब रैंडी ऑर्टन थे तभी इन दोनों की टीम थी जिसका नाम था RK-Bro, और उसके बाद WWE से रैंडी ऑर्टन चले गए थे ड्यू टू इंजरी इश्यूज। और प्लान्स तो यही थे कि जब भी रैंडी ऑर्टन आएंगे तभी उनकी फ्यूड हमें देखने मिलेगी मैट रिडल के साथ। और कहा यह जा सकता है कि रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल के फ्यूड के बाद रैंडी अपना अटेंशन कर सकते हैं रोमन रेंस के टूवर्ड्स, और चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और अगर रैंडी ऑर्टन हरा पाएंगे रोमन रेंस को तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात होगी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन एक फ्रेश ओपोनेंट रहेंगे रोमन रेंस के लिए। और वैसे भी रोमन रेंस के ओपोनेंट की जो लिस्ट है वो बहुत ही अभी कम बाकी है। सो लेट्स सी कि क्या ट्रिपल एच सिलेक्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन को द मैन टू बीट रोमन रेंस एंड विन द WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप और ख़त्म कर दे रोमन रेंस की स्ट्रीक, या फिर ट्रिपल एच सिलेक्ट करते हैं किसी और को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रैंडी ऑर्टन कब आते हैं WWE में वापस, और अगर आएंगे वो तो हमें उनका कन्फ्रंटेशन रोमन के साथ देखने मिल सकता है रॉ में या फिर स्मैकडाउन में। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आपको कैसा लगा था लोगन पॉल वर्सेज रोमन रेंस का मैच एट क्राउन जूल, सेकेंड क्या आपको लगता है कि रैंडी ऑर्टन होंगे वो शख्स
जो हरा पाएंगे रोमन रेंज को, एंड कर देंगे उनकी स्ट्रीक और जीतेंगे WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड थर्ड। अब रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंज का कन्फ्रंटेशन रॉ में देखना चाहेंगे या फिर स्मैकडाउन में? सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।